हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, वेरी वेरी मच। तो आज डिवाइन का फिर से मैसेज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखेंगे डिवाइन ने क्या होल्ड किया है आपके लिए। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रीडिंग है वो वही ले। ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ तो पहले थैंक यू बोल लेते हैं उन लोगों को जिन्होंने मुझे एक दिन पहले सुपर थैंक्स भेजा है। नाजवीर सिंह जी, बहुत बहुत थैंक यू, वेरी वेरी मच, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। कोई मैसेज डिवाइन का है तो बता देती हूँ मैं आपको। ओके, देखिए, किसी चीज से आपने मूव ऑन किया है, किसी सिचुएशन से मूव ऑन किया है, या फिर किसी किसी जगह को चेंज किया है आपने। शायद कुछ ना कुछ तो चेंज किया है अपनी लाइफ में, नहीं किया है तो करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, और ये आपके अच्छाई के ही लिए हो रहा है जो भी होगा। ठीक है, राजस्थानी ब्लॉक ऊर्जा। ओके ऊर्जा जी, आपके लिए कोई मैसेज डिवाइन का तो वो है कि सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लिए। कोई ये जो सेलिब्रेशन है आपके मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि आपके मनी मैटर, कोई बिजनेस, कोई जॉब, या जो भी आप करती हैं, या जो भी आपका ब्लॉग है उससे रिलेटेड हो सकता है। सो दैट कि आपको कुछ ना कुछ उसमें अपग्रेड मिलने वाला है, या किसी चीज के लिए आप स्ट्रगल कर रहे होंगे तो वो चीज होने वाली है, या फिर शायद आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं। कुछ ना कुछ जो है आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, वो चीज आपको खुशी देगी। ठीक है, ओके, तो ये रीडिंग थी आपके लिए, सॉरी, ये मैसेजेस आपके लिए थे। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज क्या मैसेज है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि आपको मेरी रीडिंग जल्दी से जल्दी मिल सके। चलिए, तो एक मैसेज खुद से ही आ गया है, फाइव ऑफ कप्स। कुछ मैसेजेस आने की कोशिश कर रहे हैं, जो जबरदस्ती आ रहा है उसको नहीं लेंगे हम। आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। देखते हैं क्या मैसेज है डिवाइन का। देखिए, मेरा एक डाउनलोड है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। वो डाउनलोड ये है कि कोई फीमेल एनर्जी का लाइफ थी, जो कि मैंने रीडिंग की थी बट मैं पोस्ट नहीं कर पाई उसको, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी तो इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर पाई। रीडिंग तो मैंने बनाई थी, तो उस रीडिंग में ये था कि मैं वैसे बता देती हूँ आप लोगों को कि कोई कोई जो भी पर्सन है आपके लाइफ में, एक नई सुबह होने वाली है। कोई ना कोई पर्सन है जो आपका डेस्टाइन पर्सन है आपकी लाइफ में आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप टिक ना रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि शादी आपकी अटकी हुई हो ना रही हो। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उस चीज से आपको रिलीफ मिल रहा है। कार्मिक पैटर्न आपका हील हो चुका है, और जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे वो रास्ते से हटा दिए गए हैं, और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। ये कोई मेच्योर पर्सन हो सकता है, ये फेमस हो सकता है, ठीक है, ये कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई ब्लॉगर हो सकता है, मतलब कोई ना कोई ऐसा है जो कि वेल्दी है और फेमस भी है और सक्सेसफुल भी है। ठीक है, और ये बहुत जल्दी हो रहा है, ये अगस्त तो चल ही रहा है एंड तक, या फिर सितंबर में ये आपके साथ हो सकता है। मतलब आप ऐसे इंसान से मिल सकते हो, बहुत जल्दी आपके साथ ऐसा होगा, आपकी लाइफ में कोई ना कोई नया पर्सन आएगा। ठीक है, कुछ लोग हैं ऐसे जो आपकी लाइफ में खुशियों को आने नहीं देना चाहते। पता नहीं क्यों लोगों को इतनी खुजली है और वो दूसरों की लाइफ में इतनी डिगिंग करते हैं। ओके, तो ये है फोर ऑफ कप्स जो कि आ गया था मैंने भी। ओके, नेक्स्ट है डेथ कार्ड। चलिए, कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। एक कार्ड आया है द एम्परर।
बिहार में कार। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, ये जिस भी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आई है, वो अब जो भी पर्सन वो है, सबसे बड़ी चीज है कि वो बंदा अपने डेस्टिनी के अकॉर्डिंग ना रिएक्ट नहीं कर रहा, अपने डेस्टिनी के अकॉर्डिंग चल नहीं रहा। और पता नहीं उसकी लाइफ में क्या पास्ट के कुछ ट्रॉमास रह चुके हैं। देखिए, हो सकता है कि पास्ट में कुछ लोगों ने आपके साथ जो है किसी तरह का धोखा किया हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए होंगे, लेकिन आपको जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। ये जो भी इंसान है ना, ये हर बार इसकी लाइफ में कोई ना कोई एक योग बनता है किसी अच्छी चीज का, और ये हर बार इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और जिसकी वजह से वो चीजें खत्म हो जाती हैं आपकी लाइफ में, और आप फिर एक बहुत ही भयानक सिचुएशन में फंस जाते हैं। आपकी लाइफ का कार्मिक सर्कल हील होगा, वो खत्म होगा, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, और अपनी लाइफ में जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आप अपनी लाइफ में खुशियों को हासिल करेंगे और नई चीजें आपके जीवन में स्टार्ट होंगी। हर बार एक ही जगह पर गोल गोल घूम कर खड़े हो जाएंगे आप, तो आपके जीवन में कोई नई चीज नहीं आने वाली है। आपको खुद को हील करने की जरूरत है। हर बार आपके रीडिंग में सेम चीज आती है कि कुछ भी ईश्वर आपको देता है और आपका रिएक्शन ये होता है। देखिए, आपके लिए स्वर्ग से ना स्वर्ग दूत नहीं उतरेंगे, ठीक है? आपके लिए जो भी बनाया गया है वो इस पृथ्वी पर ही है, और इस पृथ्वी में से ही आपको मिलेगा, और उसी को आपको एक्सेप्ट करना है, तभी जिंदगी आपकी आगे बढ़ेगी, ठीक है? तो जो भी ये पर्सन है, अपने थोड़े से ईगो को, प्रॉब्लम को छोड़कर और बार बार रिजेक्शन को छोड़कर किसी को मौका दीजिए, उसको डेट कीजिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। नहीं तो आप इस गोल गोल पैटर्न के अंदर घूमते रहेंगे। आपके लाइफ में फिर से एक न्यू बिगनिंग आ रही है, और इस बार जो है आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, और कोई मैच्योर मैन अगेन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि काफी मैच्योर होगा, वेल्दी भी होगा, और ये बहुत ज्यादा वाइस होगा। इसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगेन आप अकेलापन फील कर रहे हैं, ठीक है? अगेन आप अकेलापन फील कर रहे हैं और पास्ट की सिचुएशंस में स्टक हैं। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि प्रोजेक्शंस आपके ऊपर चल रही हैं, बट उस नेगेटिव एनर्जी से आपको खुद को खुद हील करना है। कोई आएगा नहीं आपको हील करने के लिए, ठीक है? ये आपके लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्ट वार्निंग है, क्योंकि बार बार आप अपने डेस्टिनी को लेकर रोते हैं, बार बार अपने भाग्य को लेकर रोते हैं, तो भाग्य आपका कुछ गलत नहीं कर रहा, आप भाग्य आपको दे रहा है जो भी आपके भाग्य में है। अपनी एनर्जी को क्लींज करते रहिए, ठीक है? एक नई शुरुआत आ रही है, इसको जाने नहीं देना है आपने अपने हाथ से। ये आपकी लाइफ में आने वाला एक हसीन बस आखिरी मौका है, क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया ना कि नहीं मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, मैं तो नहीं निकल पा रहा हूँ इस चीज से, मैं तो नहीं संभलूंगा या संभलूंगी या व्हाटएवर, तो फिर आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये जो धक्के आपको लग रहे हैं, ये लगते ही रहेंगे, कॉन्टिन्यूसली चलते रहेंगे। इस नेगेटिव चीज से बाहर निकलिए, खुद को खुद निकालना है आपने बाहर। पास्ट को आप बदल नहीं सकते, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उन लोगों को उनके कर्मों का फल आपकी आंखों के सामने मिलेगा, और आप अपनी आंखों से देखेंगे उस चीज को, ठीक है? बट वो मत कीजिए जिस चीज के लिए उन्होंने सालों तपस्या की है और दुनिया भर के जादू टोने किए आपके ऊपर, और आपको आगे बढ़ने से रोक के रखा, और आप वही खुशियां उनको दे रहे हैं कि हाँ जी मैं तो नहीं बढ़ूंगा आगे, या मैं तो नहीं बढ़ूंगी आगे। तो आपको आगे बढ़ना है और उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारना है, ठीक है? अपने डेस्टिनी के अनुसार काम कीजिए। मुंह फुलाकर आप बैठे रहेंगे तो कोई नहीं आएगा आपको मनाने के लिए, या कोई भी नहीं आएगा आपको चीजों को देखे अगेन, ठीक है? ये चीजें डिले हो सकती हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको बहुत खुजली है। अपने आप को हील कीजिए, अपनी एनर्जी को हील कीजिए, और कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो उसको हाँ बोलिए और आगे बढ़िए। ये जो भी पर्सन है वो सही होगा आपके लिए, ठीक है? ओके, किंग ऑफ पेंटेकल्स। यहाँ पर जो है कोई टांग अड़ाने के लिए पहले से तैयार बैठा हुआ है। मैंने कहा कि ये कोई पर्सन ऐसा है जिसको बहुत प्रॉब्लम है, और आपकी लाइफ में ये आपका कोई एनिमी है,
ठीक है, ये कोई ऐसा एनिमी है आपका जो आपके साथ दोस्त बनकर तो रहता है और आपकी इंफॉर्मेशन भी लेता रहता है और नजर भी रखता है आपके ऊपर, ठीक है, आपके ऊपर लगातार नजर बना के रखता है और प्रोजेक्शंस करता रहता है। क्योंकि अगर आप अपने लिए सही रिश्तों को नहीं चूज करेंगे ना, तो फिर आप गलत रिश्तों में फंसेंगे, फिर लोग अपने इस्तेमाल के लिए आपको रख लेंगे, क्योंकि लोग तो ऐसे ही हैं। वो क्यों कर रहे हैं आपके ऊपर स्पेल? वो इसीलिए कर रहे हैं आपके ऊपर स्पेल सो दैट कि आपको एक गंदे रिश्तों में फंसाने के लिए, अपने उपभोग के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। इस एनर्जी से बाहर निकलिए। अगेन द डेविल कार्ड। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन है सब चीज। मैं दे दूंगी सॉल्यूशन, मुझसे कांटेक्ट करूं। अगर कहीं पर आपको स्टकनेस फील होती है, आपको लगता है कि कोई स्पेल कर रहा है ना, तो कांटेक्ट कीजिए मुझे और पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। हो सकता है मैं समाधान निकालूं। बैकफायर कीजिए अपने मैजिक को, और खुद भी कर सकते हो बैकफायर, ठीक है। तो यहाँ पे आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स एज इट इज, जो कि मैंने बोला है आपको ना, कार्मिक साइकिल में जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। ये नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपके, देखिए, और अगेन बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड कार्ड। आपका जो है कार्मिक पैटर्न कुछ कार्मिक लोगों के साथ था जो कि खत्म हो चुका है, बट वो लोग आपको जबरदस्ती 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 कार्मिक साइकिल में घसीट रहे हैं और आपको अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे। वो चाहते ही नहीं है कि आप कि जो संचित कर्म है, यानी कि जो आपके बहुत अच्छे कर्म है, उन कर्मों का फल आपको मिले। वो जुड़े रहना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि वो जुड़े रहेंगे तो आपके भाग्य में से उनको भी टुकड़ा मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलता रहेगा। तो आपको कार्मिक पैटर्न में पास्ट लोगों के साथ नहीं फंसना है, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं ताकि उनको कुछ ना कुछ टुकड़ा मिलता रहे, आपकी किस्मत में से, आपके डेस्टिनी में से, आपका नाम लेकर, आपका नाम यूज करके वो लोग कुछ ना कुछ टुकड़ा अपने लिए निकालना चाहते हैं। कट ऑफ कीजिए सभी रिश्तों को इस तरह के, खत्म कीजिए ऐसे लोगों से रिश्ते और खत्म कीजिए इस तरह के पैटर्न्स को। अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपके लाइफ में एक मौका और आ रहा है जो कि डेस्टाइंड है और बहुत ही अच्छा मौका है। कोई बहुत ही मेच्योर फैन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसको हाँ बोलिए, हील कीजिए, हीलिंग्स लीजिए, पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। आपको जहाँ कंफर्टेबल लगता है आप वहां से लीजिए, मैं नहीं बोल रही हूँ मुझसे लीजिए, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल होता है वहां से लीजिए। अपने बारे में जानिए और जितना हो सके कोशिश कीजिए कि अपने रूप में वापस आइए, क्योंकि लोगों का तो यही है कि वो तो आपको जैसे हटा देना चाहते हैं रास्ते से, और आपको जो है बेचारा बनाकर रखना चाहते हैं, बांध के रखना चाहते हैं अपने साथ, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके ये टोने टोट के खत्म ही नहीं हो रहे। आप सोचो कितना बेशर्म इंसान होगा ये जो लगातार आपके ऊपर स्पेल कर रहा है, तो ये तो कोई अच्छा इंसान नहीं हो सकता। अगर आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपको तो सीरियसली इस तरह के इंसान को तो ना आपको खुद ही धक्के मार के बाहर फेंकना चाहिए अपनी एनर्जी से, कि एक ऐसा चीप इंसान आपको आपके डेस्टिनी से हटा रहा है, आपके रास्ते से हटा रहा है और आपकी जिंदगी खराब करना चाहता है। कोई भी पर्सन हो सकता है ये कोई आपका एनिमी भी हो सकता है, या फिर कोई रिलेटिव हो सकता है, या कोई ना कोई। तो रिबेल जैसे ना, लोग आपको जबरदस्ती जल रहे हैं आपसे, और आपको ना आपके ऊपर अपनी नफरत और गुस्से को निकाल देना चाहते हैं, आपके ऊपर अपनी मूर्खता को सिद्ध कर देना चाहते हैं। बेवजह ही लोग आपसे भड़के हुए हैं। और जैसे एक होता है ना कि आपको मिल क्यों रहा है सब कुछ, आपको क्यों ऐसी चीजें मिल रही हैं जो उनको नहीं मिली, आपके लाइफ में कुछ अच्छा क्यों आ रहा है, उनकी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं आया था। तो वो लोग अपना फ्रस्ट्रेशन जैसे आपके ऊपर निकाल देना चाहते हैं बेवजह ही। आपको सब कुछ सरेंडर करने की जरूरत है ईश्वर के ऊपर, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सब छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर। अपने अंदर रजिस मत पालिएगा, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हरकत आप करें, अच्छा करें बुरा करें, और आप कार्मिक साइकिल में फंस जाएं। ये देखो, ये शैतानी चीजें भी हो सकती है, ठीक है। आप ओके, थंडर वोल्ट आ ही रहा है वैसे इनके सर के ऊपर,
बिजली गिरी रही है इनके कुकर्मों के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया है, तमाशा बना दिया इन्होंने। तो जैसे भगवान बनना चाहते हैं लोग, विधाता बन गए हैं, दूसरों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि टोने टूट के बंद ही नहीं हो रहे, मरने तक ये लोग यही सब करते रहेंगे। मतलब ये लोग बस इसीलिए पैदा हुए थे कि दूसरों की जिंदगी में इतना ज्यादा खलल मचा सके, इतनी सारा बदतमीजी कर सके। बताओ, अपना भाग्य लिख रहे हैं लोग जादू टोने करके। ट्रैवलिंग, आपकी आध्यात्मिक यात्रा को रोने की भरसक कोशिश की जा रही है। देखो, ये ट्रैवल जो है कोई नॉर्मल ट्रैवल भी हो सकता है, बट जो मुझे समझ में बहुत ज्यादा आता है कि ये दोनों भी है। आपको किसी यात्रा पर जाना है और उस पर जाने से आपको रोका जा रहा है। दूसरी ये चीज कि आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा से भी रोका जा रहा है। आप एक डिवाइन सोल हैं और बहुत ज्यादा पवित्र हो सकते हैं। और देखिए, आप जो हैं गॉड बिलीवर होंगे, और बहुत ज्यादा शायद हो सकता है आपने मेडिटेशन प्रैक्टिस किया हो। स्थितियां भी हो सकती हैं, वो लास्ट बर्थ जो होते हैं, आपके पास बर्थ होते हैं, उनसे आपको मिली हुई है, गॉड गिफ्टेड चीजों के रूप में मिली हुई होंगी आपको वो। ठीक है, तो यहाँ पर ना कोई बहुत ज्यादा, मतलब अपना ज्यादा औकात दिखा रहा है कोई इंसान यहाँ पर, वो विधाता बनने की कोशिश कर रहा है, वो उसको चुनौती दे रहा है विधाता। ठीक है, आपको रुकना नहीं है, आप अपनी जो अध्यात्म की राह है उसको एटलीस्ट मत रोकिए, आप उसमें आगे बढ़ते रहिए। आपको किसी भी वे में रुकना नहीं है, चेंज आपके जीवन में आ रहा है जिसे कोई रोक नहीं सकता, ये बड़ा ही स्वाभाविक है, डेस्टाइंड है, होकर ही रहेगा। ठीक है, इनके नाक के नीचे से ईश्वर आपको लेकर जाएगा। ये जो बहुत ज्यादा चौधरी बने हुए हैं ना, दूसरों की बेटियों पर या बेटों के ऊपर या बच्चों के ऊपर सोने टोटके करते हैं और उनके भाग्य को खाने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ, दूसरों के बच्चों के ऊपर आप ये सब करके गंदगी क्या हासिल कर लोगे, कितना कमा लेंगे ये लोग और कितना खा लेंगे। The miser, as I told you, आपके भाग्य में से सब कुछ खा जाने की पूरी फिराक है इनकी, भाग्य बदलना चाह रहेंगे अपना। The lovers, तो भाई आपके जीवन में प्यार तो आ रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए इसको, समझिए सच्चे प्यार की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके बेसिकली ना पैसे के ऊपर लोगों की बड़ी तगड़ी नजर है। आपके पैसे को जैसे लोग चुरा लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करके ना आपके पैसे को जैसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको मूर्ख बना करके। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा समझता हूँ तुमको, हम तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, या हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, हम तो तुम्हारे पता नहीं कौन लगते हैं। तो इस तरह के जो लोग है ना, जो जुबान से बहुत मीठे होते हैं, आपका नाम यूज करना चाहते हैं लोग, आपका नाम यूज करके कुछ ना कुछ अपने लिए बना लेना चाहते और आपके पैसे को अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं, चालाकी से आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, आई रिलीज ऑल ग्रजेस एंड फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स, तो आपको अपने अंदर के ग्रजेस को निकाल के बाहर फेंकना है, खुद को माफ करना है और दूसरों को भी, क्योंकि आपको अपने आप को क्लीन जो रखना है, अपनी एनर्जी को क्लींस रखना है। ठीक है, जितना क्लींस रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींस योर बॉडी माइंड एंड सोल विद द पावर ऑफ एंजल्स, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी बॉडी को, माइंड को, सोल को जितना हो सके क्लींस कीजिए, डिटॉक्सिफाई कीजिए उसको, किसकी, एंजल्स की हेल्प से। एंजल्स की हेल्प से आप उनको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। अबंडेंस माइंडसेट, आई हैव एन अबंडेंस माइंडसेट एंड अट्रैक्ट प्रोस्पेरिटी, तो आपको जो है हर समय अबंडेंट माइंडसेट के साथ काम करना है, खुद को हमेशा यह एहसास कराना है दैट यू आर टोटली अबंडेंट, यू आर बिलियनेयर, यू आर मिलियनेयर एंड यू आर गोइंग टू बी मिलियनेयर, ये हमेशा याद रखना है आपने, क्योंकि आपके ना मैनिफेस्टेशन को रोक देना चाहते हैं लोग। आप पावरफुल मैनिफेस्टर हो सकते हैं, लोगों को पता है आपकी पावर्स का, इसीलिए वो आपका नाम यूज करके आपके साथ रहकर जुड़कर आपके पैसे को खाना चाहते हैं। अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है, एक्सेप्ट कीजिए उसको। प्रॉस्पेरिटी फ्लो टुवर्ड्स मी एफर्टलेसली, तो भाई आपके जीवन में जो है क्या आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, एफर्टलेसली आ रही है, बहुत ज्यादा मेहनत किए बगैर आ रही है। ठीक है, आप कुछ भी मेहनत नहीं करेंगे तो भी आपके पास पैसा अब आता रहेगा। एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड, आपको कहा जा रहा है अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिए और अपने वर्ल्ड को भी ट्रांसफॉर्म कीजिए। जितना ज्यादा आप बदलाव अपने अंदर लेकर आएंगे, चीजें आपके लिए उतनी ही ज्यादा अच्छी होंगी और बदली हुई होंगी।
ठीक है, एक्सेप्टेंस, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। तो आपको कहा जा रहा है एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को, आप जैसे भी हैं, ठीक है। अपने अंदर किसी भी तरह का दोष मत रखिएगा कि कंपैरिजन की फीलिंग आपके अंदर हो सकती है शायद कभी कोई इंसान जैसे आपको मिले। मैंने जैसे कि कहा कि कोई वेल्दी मैन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो पॉसिबल है कि आप शायद कंपैरिजन करें, क्योंकि यहाँ पर ये चीज भी आ रही है कि ये पर्सन बहुत गुड लुकिंग हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपना कंपैरिजन करें उससे, किसी तरह से आप खुद को छोटा फील करें, या किसी तरह से कुछ, मतलब बहुत ज्यादा होता है ना कि कंपैरिजन की फीलिंग कि हमारा स्टेटस ये है, उसका स्टेटस ये है, ऐसी चीजें आपको नहीं सोचनी है। ऐसा सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। देखिए, मैं कल रीडिंग बना रही थी, रीडिंग बनाने के बावजूद भी मैं पोस्ट नहीं कर पाई, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना जो मुझे भी आपको मैसेज देने से रोक रहा है, सो दैट कि आपकी लाइफ खराब की जा सके। इतनी कोशिशों के बाद भी कुछ ऐसी रीडिंग्स होती हैं जो मैं पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। एक दो रीडिंग्स ऐसी, ओवरऑल मैंने उनको जैसे तैसे करके कभी ना कभी पोस्ट कर ही दिया है, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ कि ऐसा है कि कोई चीज चाहती है कि आपको मैसेज ना मिले। मिरेकल 1111, अ मिरेकल विल हैपन फॉर यू दिस मंथ, इट विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट शिफ्ट फॉर यू। यू हैव एन एक्सपीरियंस, ओपन योर हार्ट माइंड एंड बी रेडी टू रिसीव। तो भाई, आपके जीवन में इसी महीने कोई ना कोई बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। 1111 की एनर्जी है जो रिप्रेजेंट करती है अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। तो ये बंदा जो है ना आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा भी ला रहा है, ठीक है। वेल्दी, आई एक्सेप्ट टू बी रिच, आई एम रेडी टू बिकम रिच एंड आई एम मिलियनेयर। तो आपको क्या करना है, दैट यू आर रेडी टू बी रिच, यू आर मिलियनेयर, यू आर बिलियनेयर एंड यू एक्सेप्ट टू बी रिच। इसको भी एक्सेप्ट करना है कि दैट यू आर एक्सेप्टिंग टू बी रिच। आपके मैनिफेस्टेशन, आपका बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन हो सकता है, रोकना नहीं है उसको खुद को, ठीक है। इट्स डेंजरस टू हैव जेलस पीपल अराउंड यू, अपने नियर अबाउट लोगों के साथ ना जेलस लोगों को नहीं रखना है आपको। अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनके साथ रिश्ते मेंटेन कीजिए, कोशिश कीजिए जो बहुत ज्यादा जलते हैं आपसे उनसे दूर हो जाइए। दे टुक यू कॉम्पिटिशन वाइल यू लुक एट देम एज अ फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स। आपने तो उनको फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स ही समझा, बट वो जो लोग हैं ना आपके आसपास, वो लोग वैसे नहीं है जैसा आपने उनको सोचा था, और आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है इतने ज्यादा जेलसी लोगों को अपने इर्द गिर्द रखना। आप इस तरह के लोगों को हटाइए अपनी एनर्जी से। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल बी मूविंग टू योर ड्रीम हाउस वेरी सून। तो भाई, आपके जीवन में ना आप कहीं ना कहीं तो शिफ्ट करने वाले हो। ड्रीम हाउस वो भी हो सकता है जो आपके सपनों के राजकुमार ने आपके लिए बनाया हो, क्योंकि कोई पर्सन तो आ रहा है आपकी लाइफ में, है ना। तो हीलिंग जो है मैसेज आया है आपके लिए, कुछ दिनों का अंधेरा रोशनी को आने से रोक नहीं सकता। रास्ता कितना भी कठिन हो, मंजिल मिलना तय है, तुम्हारे हक का तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ये ईश्वर का मैसेज है। गॉड हैज प्लान फॉर यू। तो भाई, ईश्वर के कुछ प्लान हैं आपको लेकर, ठीक है, और वो उनके ही प्लान आपके लिए सक्सेसफुल होंगे। यू आर गोइंग टू बी फेमस। तो देखो, ये जो बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपको भी फेमस करेगा, दैट यू आर गोइंग टू बी फेमस। मतलब कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा देगा। गॉड सेज एवरीथिंग इज टेम्परेरी, डोंट स्ट्रेस। तो भाई, हर एक चीज जो है टेम्परेरी है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना। कर्मा बैकफायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्मा बैकफायर हो रहा है। किसी ने आपके ऊपर जो भी प्रोजेक्शंस की है ना, उसकी वाट लग गई है। जो हीरोगिरी दिखाने की किसी ने कोशिश की है, यहाँ पर जो विधाता बनने की कोशिश की है, तो उसका वो कर दिया, ईश्वर ने डंडा चढ़ा दिया उसको। डोंट गिव अप, आपको कहा जा रहा है गिव अप मत कीजिए, ठीक है। ओके, चार पांच मैसेजेस आ गए खुद से। लाइट अप अदर्स विद योर लाइट। तो अपने साथ साथ दूसरों को भी रोशन कीजिए, उनको भी रास्ता दिखाइए। कट द टॉक्सिक पीपल ऑफ, आपको कहा जा रहा है कि टॉक्सिक लोगों को ऑफ कीजिए अपनी लाइफ से। एंजल्स आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग ओवर यू एंड रिकॉग्नाइज दैट दिस इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू, अ बिग पॉजिटिव शिफ्ट इन कमिंग इन फाइनेंस, रिलेशनशिप, करियर एंड वेल्थ। तो भाई, आपके जो एंजल्स हैं कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर आंखें बनाए हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको भाग्य का ना मिले, वो खाना चाहते हैं आपके भाग्य को। तो
तो कुछ ना कुछ प्रोजेक्शंस भी कर रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आपके एंजल जो है उन्होंने कड़ी नजर बनाई हुई है आपके ऊपर, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट होने वाला है और लोगों की बड़ी तगड़ी नजर है कि आपके भाग्य से इस चीज को रोक दिया जाए, है ना। और आपको चालाकी से बेचारा बना करके बांध के रखा जाए और आपके पैसे को, आपकी डेस्टिनी को, आपकी किस्मत को इस्तेमाल किया जाए अपनी मूर्खता के लिए। दे किल्ड योर नेम प्राइवेटली बट गॉड इज अबाउट टू ऑनर यू पब्लिकली। तो भाई उन लोगों ने आपकी पीठ पीछे आपका नाम खराब करने की कोशिश की है, आपके बारे में तरह तरह की गंदी गंदी बातें की हैं, लेकिन ईश्वर जो है आपको पब्लिकली ऑनर करने वाले हैं। अब जो है ना लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे और लोग आपके बारे में जानेंगे भी, ठीक है। तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो मेरी रीडिंग कैसी लगी आपको मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। और नेक्स्ट रीडिंग आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे ये भी बता दीजिए, सो दैट कि मैं आपके लिए कुछ नया भी ला सकूं, ठीक है। बाकी मैसेजेस जो है मेरे आपको मिलते रहेंगे और मैं आपको बताती रहूंगी। बट ये ध्यान रखिए कि आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग आ रही है और कोई उसको रोकना चाहता है, लगातार प्रोजेक्शंस कर रहा है। तो वैसे तो ये बैकफायर हो रहा है, उसके कर्मों की मार उसको पड़ रही है, बट शर्म तो नहीं है ना लोगों को, तो फिर भी किए जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि थोड़ी भी देर के लिए आपके ऊपर प्रभाव पड़े, क्योंकि थोड़ी देर का प्रभाव ऐसा हो सकता है कि सपोज आप किसी से मिले और उसी वक्त प्रभाव पड़ा, तो वो मौका आपके हाथ से निकल सकता है। तो जितना हो सके क्लींजिंग अपनी करते रहिए और डिटॉक्सिफाई कीजिए, ईश्वर को सरेंडर कीजिए अपने आप, ठीक है, विश्वास कीजिए ईश्वर के साथ सब कुछ संभव है। तो नेक्स्ट रीडिंग लेकर आऊंगी कल, तब तक के लिए बाय बाय।